हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल। बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज मैं बात करने वाला हूं कि केमिस्ट्री में भाई अगर आप टारगेट कर रहे हैं 150 प्लस मार्क्स 180 में से, जैसे कि आपको पता होगा कि अपना 720 मार्क्स का क्वेश्चन का पेपर होता है, 720 में से अपने क्वेश्चन डिसाइडेड है कि भाई 360 मार्क्स की आपकी क्या आ जाएगी, बायोलॉजी आ जाएगी, 180 मार्क्स की आपकी क्या आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी, 180 मार्क्स की क्या आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी। बच्चों हमेशा एक चीज याद रखिएगा, सिलेक्शन के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा ब्रिज होता है आपके नीट में। बायो में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो 320 प्लस मार्क्स लाना बहुत आसान होता है, बायो में सिलेक्शन के लिए 320 प्लस मार्क्स लाना काफी आसान होता है, लेकिन केमिस्ट्री अपने को, फिजिक्स अपने को क्या पड़ जाता है, यही सब्जेक्ट टफ पड़ जाता है। तो भाई फिजिक्स की टफनेस को कंपनसेट करने वाला अगर सब्जेक्ट अपना कोई है तो वो क्या है, केमिस्ट्री है। चलिए इसको ऐसे समझिए, आप प्लान कर रहे हैं कि 180 मार्क्स लाए जाएं, 180 मार्क्स का पेपर है, 150 मार्क्स लाए जाएं, तो कैसे? तो सबसे पहले मैं 11th की केमिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि आपको पता होगा 11th से अपन शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो चाहे 11th का बच्चा और 12th का और ड्रॉपर हो सबके लिए है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अपना 11th की केमिस्ट्री है, उसको अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड करा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें 11th में मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर है अपना, चलिए पहला चैप्टर जनरली हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मूल कॉन्सेप्ट ही शुरू होता है। दूसरा थर्मोडायनामिक्स, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, मूल कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक्स, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी सिर्फ चैप्टर में बता रहा हूं, इनमें से ध्यान दीजिएगा थर्मो और आयनिक इक्विलिब्रियम को 90% बच्चे हर्क्यूलियन टास्क लेके चलते हैं कि भाई बनेगा ही नहीं। चलिए मैं भी मान लेता हूं कि अभी आप लोगों से नहीं बनने वाला है, मैं भी मान लेता हूं कि आप लोगों से अभी नहीं बनने वाला है। चलिए बच्चा कौन सा अपना स्टेट्स ऑफ मैटर और एटॉमिक स्ट्रक्चर। आ जाता हूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरुआत होती है अपनी केमिकल पीरियोडिसिटी या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए फिर आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक में ग्रुप 13-14, हाइड्रोजन, रेडॉक्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हाइड्रोजन हो गया, रेडॉक्स हो गया और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, दिखने में बहुत छोटे लोग इन्हें कोई हूल ही नहीं देते हैं कि इन चैप्टर से क्वेश्चन आना है, लेकिन अभी बात को ध्यान रखना, छोटी से छोटी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक में अपना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। चलिए जनरली हम लोग साल भर प्लान कर रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान कर रहे हो या आखिरी के एक महीने प्लान कर रहे हो, दिमाग में एक चीज बैठा के रखो बच्चों कि आपका सिलेबस अगर आपने 11th 12th पढ़ के रखा है तो आखिरी के 30 दिन में भी खत्म किया जा सकता है, बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। लेकिन कहते हैं ना एक बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए, अरे हमें पता होता है कि यार तैयारी कैसे करनी है, साल भर मेहनत करते हैं एकदम गधों जैसे बोझ डाल के, लेकिन यार डायरेक्शन से नहीं होनी चाहिए हमारे प्रिपरेशन के लिए। ध्यान दीजिए, शुरुआत करो सबसे पहले तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्लास 11th में, क्लास 11th में आ जाओ किस पे, केमिकल पीरियोडिसिटी पे। बहुत सिंपल चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ लिया आपने तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले बेस पता चल जाएगा कि भाई अगर आपको पीरियोडिक टेबल आएगी तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आ गया आपको, मतलब आप बाकी सारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये सब कर पाएंगे। तो सबसे पहले केमिकल पीरियोडिसिटी से, केमिकल पीरियोडिसिटी से आता है बच्चों एक क्वेश्चन, नोट करते चलना, केमिकल पीरियोडिसिटी से आता है जनरली एक से दो क्वेश्चन, फिक्स है। अगली प्रिपरेशन शुरू करिए, अगर आप 30 डेज का टारगेट लेके चल रहे हैं रिविजन के लिए, अगला चैप्टर चूज करिए आप अपना केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में 3 से 4 क्वेश्चन आना डन है, मैक्सिमम मान लो 4 क्वेश्चन आते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 भी आ जाते हैं कई बार, समझ रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आप केमिकल पीरियोडिसिटी, दूसरा आपने केमिकल बॉन्डिंग पकड़ लिया, तीसरा आप पकड़ लीजिए बच्चों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, 13 और 14, दोनों से एक एक क्वेश्चन आना था, क्योंकि भाई एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है, उसको हर चैप्टर को वेटेज देना है, 45 क्वेश्चन उसको बनाना है, वो लगभग हर चैप्टर को पकड़ते चलेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन अपना किससे हो गया पीरियोडिसिटी से, 4 क्वेश्चन किससे हो गया बॉन्डिंग से, 1 क्वेश्चन हो गया एस ब्लॉक से, 1 क्वेश्चन हो गया अपना पी ब्लॉक ग्रुप 13 और 14 से। अब ध्यान दीजिए हाइड्रोजन चैप्टर, अगर आपको 2019 की पीएमटी याद होगी जिसमें हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर को पे क्वेश्चन आया था, उसमें कैलगन मेथड इन सब के बारे में पूछा गया था, वो चैप्टर, वो क्वेश्चन कहां था, किस चैप्टर से था, वो क्वेश्चन था अपना हाइड्रोजन चैप्टर से। मतलब आप पिछले ट्रेंड को अगर देखेंगे 5-6 सालों से, जब से नीट 2013 से होना शुरू हुई है बच्चों, आप अगर इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी कि हर चैप्टर पे वेटेज दिया जा रहा है। ये मैंने पूरा नोट करके आया हूं,
मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन मान लीजिए हाइड्रोजन चैप्टर से, चलिए रेडॉक्स, आप रेडॉक्स चैप्टर अगर यहां पढ़ते हैं क्लास इलेवेंथ में, तो मेरा हमेशा कहना यह है कि आप रेडॉक्स चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंबाइन करके हमेशा पढ़ो। अगर रेडॉक्स पढ़ा तो उसके बाद हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो ही पढ़ो, रेडॉक्स से एक क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए भाई, एक क्वेश्चन किससे आ गया आपका, रेडॉक्स चैप्टर से। चलिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सिंपल सा चैप्टर है, 5-6 पेजेस का, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लीजिए ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स को। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी लगभग एक क्वेश्चन आ ही आ रहा है, एक क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हैं, 40 मार्क्स हो गए आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। चलिए मूल कॉन्सेप्ट, जनरली बच्चों पहला चैप्टर होता है, सभी लोग बहुत अच्छे से करते हैं, स्टोइकियोमेट्री हो गया, मूल कॉन्सेप्ट हो गया, और इतना कोई टफ भी नहीं है। इसे करने के लिए आपको सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं, एक दिन का चैप्टर होता है, सबसे पहले आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, अपने टीचर की थ्योरी पढ़िए, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तो पहले एक बेसिक आपको आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद बच्चों लास्ट ईयर्स नीट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई मेंस बोल रहा हूं, एडवांस नहीं, जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और लास्ट के 15 ईयर्स में नीट में या पीएमटी के जितने भी एग्जाम होते थे उनमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि नीट तो अभी यार 2-4 सालों से होना शुरू हुई है। आप ये फोकस करिए कि 15 ईयर्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, चैप्टर पढ़ा, मूल कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही कहूंगा कि लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन या कोई आपके पास बुक है, 15 ईयर के क्वेश्चन तो करना ही करना है मेडिकल के, या कोई बुक पकड़ लीजिए उसे सॉल्व कर लीजिए। एक दिन का टारगेट होता है, इतना आपने कर लिया तो जनरली इसकी पूरी केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, इस चैप्टर की मोल निकालना, इक्विवेलेंट निकालना, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए भाई मोल कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन मान लीजिए, डन हो गया, इधर तक अपने 10 हो गए थे इनऑर्गेनिक से, ठीक है। चलिए थर्मो और केमिकल, थर्मो केमिस्ट्री, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, इसके बारे में भी मैं बात ही नहीं कर रहा, आप लोगों से नहीं कर रहा ना, अगर आपको हर्क्यूलियन टास्क लगता है तो हम इसको आखिरी में बात करेंगे, हम इसको आखिरी में ही बात करते हैं। चलिए छोड़ दिया मैंने, छोड़ने दो, मैं 150 प्लस बोल रहा हूं, अभी मैंने 180 की तो बात ही नहीं करी, हमें सिलेक्शन चाहिए ना। चलिए आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, अरे भाई गिनती से 3 घंटे बैठोगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, अरे कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है ही नहीं है, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वही केमिस्ट्री। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, फिजिक्स वाले टीचर कई बार हम केमिस्ट्री वाले टीचर हमको कह देते हैं कि फिजिक्स वाले टीचर ने आपको पढ़ा दिया होगा, समझ रहे हैं आप लोग, आप किसी के भरोसे मत रहिए, आपको एनसीईआरटी बुक में जितना दिया है और आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बिल्कुल फॉलो करिए टीचर, और उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। एक क्वेश्चन फिक्स है बच्चों, एक क्वेश्चन आना उससे फिक्स है। चलिए भाई एक क्वेश्चन यहां से भी मान लिया, और 2 क्वेश्चन अपना बचता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत सिंपल चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 2 क्वेश्चन मान के चल लीजिए आते ही आते हैं 2 क्वेश्चन, ये टोटल आपके हो गए 14 क्वेश्चन, कितने हो गए बच्चों 14 क्वेश्चन अभी 11th में। अब आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने 11th की खत्म कर दी, अब आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत करनी है, स्ट्रांग करनी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब भी पढ़ो, मतलब अगर पढ़ने के बाद इसको मिनिमम 2 दिन इसकी तो पहले पढ़ाई करो, और 2 दिन इसके क्वेश्चन सॉल्व करो ही करो, जितने क्वेश्चन इसके लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर्स बुक से कर सकते हो करो, क्योंकि अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली बच्चों तो ऑर्गेनिक आपको स्ट्रांग करने से कोई नहीं रोक सकता। मेन प्रॉब्लम होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों, हमें आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना, ये जनरल प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आती है, मैं अपने लास्ट 5-6 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूं कि ये प्रॉब्लम सबके सामने आती है कि सर हम ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन रही है लेकिन मेन चीज हमें दिक्कत आ रही है कि हम आइसोमर नहीं निकाल पाते। नहीं निकाल पा रहे हो उसको पेंडिंग रख दो, आखिरी में करना अगर टाइम बचे तो, सुनना जी, सेलेक्टिव स्टडी करना है हमको। चलिए भाई मेन चीज आता है इसके बाद हाइड्रोकार्बन, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन और टोलुइन करके अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, प्रॉपर्टीज कुछ कॉमन है, जितनी नेम रिएक्शन आ रही है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, इसे पढ़ लीजिए। इसमें से भाई जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 4 क्वेश्चन और हाइड्रोकार्बन में से 1 क्वेश्चन, टोटल आपके 14 हुए थे, 14 और ये 5 कितने होगा 19 क्वेश्चन हो गए अपने 11th के। आयनिक और थर्मो अभी मैंने छोड़ दिया,
मान लीजिए इन दो चैप्टर में से तीन क्वेश्चन आएंगे, कोई बात नहीं, 12 नंबर छोड़ दिए ना, छोड़ दो, अभी छोड़ने बोला है, लेकिन जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। स्पेसिफाई करूं मैं आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, लेकिन बाहर का पढ़ना है इसीलिए ज्यादा जरूरी, मतलब नोट्स पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि एनसीईआरटी काफी कंसाइज है। नोट्स पढ़ोगे तो आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, बच्चों क्या समझ पाओगे, जनरली मैं भी जो नोट्स देता हूं मैं ये बोलता हूं कि मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, आप नोट्स पढ़ेंगे तो आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। चलिए 19 क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो गई अपनी, किससे, 11th से, किससे हो गई, 11th से। चलिए आते हैं किस पे, 12th पे। 12th में बच्चों फिजिकल का काफी ज्यादा पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला आता है सॉलिड स्टेट, 12th यहीं से शुरू करो, किससे, सॉलिड स्टेट से। 4 घंटे का चैप्टर है, बहुत सिंपल है, यूनिट सेल पढ़ो, ठीक है, अलग अलग टाइप के यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफेक्ट्स, इनसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इससे आना डन है, फिक्स है रे भाई, फिक्स मान के चलो। फिर आता है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जनरली मेरा ये मानना है सॉलिड स्टेट करो उसके बाद ही सॉल्यूशन चैप्टर कर लो, बहुत इजी, क्योंकि जनरली 11th में हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, आधा तो कंसंट्रेशन यूनिट हम मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ लेते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, आपका इससे कंप्लीट हो गया, बचा क्या, बचा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है और हेनरी लॉ पढ़ना है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है और हेनरी लॉ पढ़ना है और उनके क्वेश्चन करने हैं, बस क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन कर सको उतने करो। मान लीजिए इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो आना डन है, 1 से 2 क्वेश्चन अपने आना डन है। चलिए भाई एक क्वेश्चन मान लिया, इसके बाद उठा लो आप क्या, सरफेस केमिस्ट्री, क्या उठा लो, सरफेस केमिस्ट्री, फिर उठा लो काइनेटिक्स, क्या उठा लो, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स बहुत इजी चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को पढ़ना है और सरफेस केमिस्ट्री, इनमें से भी एक एक क्वेश्चन आना डन है, समझ रहे हो आप लोग, इस ऑर्डर को फॉलो करते चलो। और इसमें मेरा ये बात मान के चलना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा पेंडिंग रख देना, 4 चैप्टर सबसे पहले उठाओ कि भाई मुझे 2 दिन का टारगेट ले रहा हूं मैं, 4 चैप्टर मुझे करने हैं, ये 2 दिन में 4 चैप्टर मतलब 4 क्वेश्चन की आपने तैयारी कर ली, 11th के और 4 चैप्टर, 4 क्वेश्चन या फिजिकल के टोटल हो गए 23 क्वेश्चन, कितने हो गए 23 क्वेश्चन। अब आता है मेटलर्जी, एक क्वेश्चन आना था, मेटलर्जी से कितने क्वेश्चन आना था, एक क्वेश्चन। दूसरी चीज पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 15, 16, 17, 18, जनरली बच्चों से 3 से 4 क्वेश्चन आना फिक्स है, कितने क्वेश्चन आना, 3 से 4 क्वेश्चन आना फिक्स है। आप 23 क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, 24 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पी ब्लॉक के, 28 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एक क्वेश्चन देके चला जाता है आपको, एक क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट देके चला जाता है, ठीक है, 29 ये हो गए, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन ये हो गए, क्योंकि इनऑर्गेनिक 12th की काफी इजी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अरे आप बहुत इजी वे में करिए ना, एक्सट्रैक्शन को आप क्या करते हैं, कोई भी मिनरल मिला, मिनरल से आपने ओर निकाला, ओर से आपको क्या करना है भाई, मेटल प्योर फॉर्म में निकालना है, तो 3 अपन पार्ट में डिवाइड कर दो फ्लो चार्ट के फॉर्म में। आप ज्यादा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा फ्लो चार्ट जो मैं जनरली बनाता हूं बच्चों के लिए वो देख सकते हैं, कैसे फ्लो चार्ट बना, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, आइसोलेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, इतना कर लोगे अलग अलग मेथड आ जाएंगी, हो सकता है क्वेश्चन उसमें से उठ जाए, या फिर इतना बनाने के बाद आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इन्हीं की तो मेटलर्जी है यार, बहुत सिंपल चैप्टर है। और एलिंगम डायग्राम, एलिंगम डायग्राम उसके लिए मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करा, आप वहां पे एक बार देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे आना फिक्स है, मतलब आप समझिए ये चैप्टर बहुत कम टाइम के हैं बच्चों, लेकिन इससे आपके अभी तक टोटल 30 क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी है। दूसरी चीज ऑर्गेनिक पे आते हैं, ऑर्गेनिक में सबसे पहले तो लास्ट के 3 चैप्टर उठाओ यार, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और आपका क्या बचता है बायोमोलिक्यूल, और चौथा अमीन्स, बहुत छोटा इस चैप्टर है ये, 4 क्वेश्चन 4 चैप्टर, इनको प्लस 4 करो, टोटल होगा 34 क्वेश्चन आ गए अपने, समझिएगा 34 क्वेश्चन आ गए अपने। अब बचती है अपनी ऑर्गेनिक, क्या बचती है ऑर्गेनिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और 2 क्वेश्चन क्या बच गए अपने,
दो क्वेश्चन क्या बच गए अपने, दो क्वेश्चन कहां से, इलेवेंथ में चले जाओ, थर्मोडायनामिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम से। अब इनमें जो बचता है बच्चों, ऑर्गेनिक को हमेशा डिटेल में पढ़ो, ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि ये जो तीन चैप्टर है इनमें से चार क्वेश्चन से पांच क्वेश्चन आना तय है, चार से पांच क्वेश्चन आना तय है। लेकिन इससे पहले तक जितने भी चैप्टर बताए वो आपको 34 से 35 क्वेश्चन सही करा के जाएंगे, अगर आपने उन्हें अच्छे से पढ़ा है, उनमें कोई भी कंफ्यूजन कभी नहीं आता। मतलब 140 मार्क्स वहां से आप पकड़ सकते हो, 35 इंटू 4 होता है, 140 मार्क्स आप वहां से पकड़ सकते हो। यार इसके बाद जो चैप्टर बचे ऑर्गेनिक के, फिर तो आपको क्या करना है, स्कोर करना है बच्चों। आप ऐसे समझिए, हाइड्रोजन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, अमीन, अरे दो दो घंटे के चैप्टर हैं यार ये। आप एक अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे करना है और उस प्लान को फॉलो करिए। अगर आप इस तरीके से प्लान फॉलो करेंगे, दो दो तीन तीन घंटे के चैप्टर, पहले छोटे छोटे चैप्टर पकड़े, फिर बड़े, पहले वो करो जो कर सकते हो, इजी चैप्टर पकड़ो, फिर टफ पे जाओ और आखिरी में देखो सबसे टफ। लेकिन एक चीज मत भूलना बच्चों इन सबके बीच, कॉन्स्टेंट रिविजन आपको चाहिए, कॉन्स्टेंट रिविजन। अगर आज आपने पढ़ा, दो दिन बाद उस चीज को रिवाइज करिए। अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे बच्चों, तो 150 मार्क्स लाना आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना, जिन लोगों से जो नीट एस्पायरेंट है उनसे करना, बिल्कुल भी ना भूलें कि 150 मार्क्स अपन कैसे गेन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।